आज का वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह मौजूद हैं। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून रवि, बताइए कौन सी है आज आपकी वैल्यू पिक? गुड आफ्टरनून शशि जी, इस समय बजट की एक्सपेक्टेशन में ही लोगों को यहाँ पर शेयर चाहिए और आज जो मैंने शेयर चूज किया है वो है ऑल कार्गो। इस समय 418 रुपए का चल रहा है। फंडामेंटल तो अच्छे ही हैं, टेक्निकल चार्ट पे भी आपको काफी अच्छा लग रहा है, नंबर अट्रैक्शन इन्होंने दिया ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बजट कल पेश होने वाला है और जो लॉजिस्टिक पॉलिसीज में बदलाव है उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये शेयर एक बार कम से कम 8 से 10% इमीडिएट बेसिस पे चल सकता है। अभी 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 500 के लक्ष्य अचीव कर सकता है। तो इस समय इम्पोर्टेंट है कि मार्केट की वॉलिटिलिटी पे एक ऐसा स्टॉक लिया जाए जो बजट में ही सबको माला माल कर सके। तो मुझे लगता है ये स्टॉक उसमें खरा उतरता है, इसको यहाँ करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 3 से 4 महीने की है उसको तो फिर कम कर देना चाहिए अगर ये आपकी बजट पिक है तो। देखिए शशि जी, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 500 है, लेकिन मैंने 5% यहाँ से 8 से 10% की अगर रैली देखते हैं तो वो 40 रुपए की होती है, तो वो 470-75 के आसपास आके रुक जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पे भी रखना है तो 500 का टारगेट है, और मैंने बताया कि अगर बजट में लेके खरीद के बेच के निकलना है, इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की वीआईपी पिक शेयर करने के लिए। तो अलकार्गो लॉजिस्टिक्स जो है रवि को पसंद आ रहा है, अगले 3 से 4 महीने में 500 रुपए के टारगेट्स दिखाने का ये दमखम है। और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, मुनाफे का ऑप्शन। और यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित, थैंक यू सो मच ईटीना और स्वदेश को समय देने के लिए। आज आपकी तरफ से ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी बिल्कुल, ऑप्शन साइड पे अगर ध्यान रखना है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान रखना चाहिए। और अगर इसके अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रिसेंटली हाई पे ऑलमोस्ट 12% का करेक्शन इस स्टॉक में देखने मिला था और डाउन साइड से 380 के लेवल से इसमें रिकवरी देखने मिल रही है जो कि एक काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ और इसके अगर डेटा अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 430 तक जा सकता है। तो क्योंकि अगर ये स्टार्ट ऑफ द मंथ है तो यस ऑप्शंस के हिसाब से इसमें अप्रोच कर सकते हैं। तो 400 का स्ट्राइक LIC हाउसिंग फाइनेंस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं जिसका प्रीमियम समवेयर नियर 14 से 15 के बीच में है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 5 का उसका स्टॉप लॉस रखना है और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ ये 400 के स्ट्राइक का उनका जो 30 से लेके 40 तक आ सकता है। सो LIC हाउसिंग फाइनेंस का 400 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ का ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इस वक्त काफ़ी आकर्षक भी लग रही हैं, ऐसे में LIC हाउसिंग फाइनेंस आज करीब 3% ऊपर भी है। 400 का कॉल आप खरीद सकते हैं और टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।